अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अनी खान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, ख़वातीन और बच्चे हमारे यहाँ, हमारे जो इस वक्त जो पाकिस्तान की यूथ है वो एक अनसिक्योर महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि वो माशरा इस तरह का हो गया है। तो इसी हवाले से आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि ख़ातून जितनी भी हमारी यहाँ पर हैं, जो स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, वो किस तरह अपने आप को सेफ्टी करें, किस तरीके से वो हरासमेंट करने वालों को फेस करें, और दूसरा जो मंशियात का इस्तेमाल हमारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में हो रहा है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। इसी हवाले से एक हमारे साथ गेस्ट जो पहले भी आ चुके हैं हमारे साथ, ख़ुद मुहाफ़िज़ के उमर हुसैन साहब, वो हमारे साथ हैं और उन्होंने पहले भी बताया था कि वो क्या क्या खिदमात हमारी यूथ के लिए कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए खिदमात अंजाम देना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मुल्क के लोगों के लिए सोचना और एक अच्छी मुस्बत सोच रखना और हमारी यूथ के लिए उनको अच्छी जगह पे लेकर आना और अच्छे उनके लिए काम करना, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी बात को सराहते हुए हमारे ओपी टीवी जो इस तरह के प्लेटफॉर्म फ्राम करता है, क्योंकि हमारे सीईओ जो हैं हमारे, वो भी यही कहते हैं कि हमारे जो चैनल है उस चैनल के अंदर हम मिसबत बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, पाकिस्तान की अच्छाई की बातें करते हैं। और कोई भी शख्स जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बातें करता है, तो हमारे ओपी टीवी के प्लेटफॉर्म पे आके वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। तो आइए चलिए चलते हैं आज के हमारे गेस्ट उमर हुसैन के पास। अच्छा, ख्वातीन के हवाले से बताइएगा उमर, आपका जो इदारा है वो क्या नया करने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं ना, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। अगर आप आज भी देखेंगे ना कि आज की औरत को क्या मसाइल दरपेश हैं, तो आपको वही आज़ादी से पहले वाले मामलात नज़र आएंगे कि आज उस वक्त भी जो है वो हमारी बच्चियां हैरासमेंट का शिकार थीं, इज़्ज़तें पामाल हो रही थीं, चीज़ें हो रही थीं। आज भी पाकिस्तान के अंदर वही कमोबेश मामलात चल रहे हैं और ये किसी से ढके छुपे नहीं हैं। ख़ुद मुहाफ़िज़ क्योंकि ज़हनी और जिस्मानी सेहत के ऊपर काम करता है, तो हमने एक बहुत ही यूनिक सर्विस अपनी उन बच्चियों के लिए लॉन्च की है। इसको मैं यूनिक सर्विस क्यों कह रहा हूँ, ये उसकी मेन वजह यह है कि ये एक ऐसा बाइक राइडिंग क्लब, बिनते आहन के नाम से हमने ये सर्विस लॉन्च की है। बिनते आहन एक ऐसा बाइक राइडिंग क्लब है कि जिसके अंदर ख़वातीन को बाइक राइडिंग के साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है। उनको ये भी बताया जाता है कि अगर आपको मोटरसाइकिल चलाते हुए कोई हैरेसमेंट कर रहा हो तो आपने उसका देन एंड देयर जवाब कैसे देना है, क्योंकि हमारे हिसाब से अब ये काफ़ी हो गया है कि ये मामलात आप देखें, सानिया मोटरवे हो, चाहे जैनब का हादसा हो, ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर ऐसे इतने बड़े शहर के अंदर जहाँ पर मास ट्रांजिट का सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो जड़ से, बसेस के अंदर होने वाली हैरेसमेंट, चिंगचीज के अंदर होने वाली हैरेसमेंट को बच्चियाँ कब तक बर्दाश्त करेंगी? और माशी तौर के ऊपर वालदेन इससे कासिर हैं कि वो उनको अलग से या तो ड्राइवर्स करके दें या वो प्राइवेट सर्विसेज लगा कर दें कि जिससे वो आना जाना कर सकें। तो उससे होता क्या है कि आखिर में उनको कहा जाता है कि जी घर पे बैठ जाओ, बाहर जाकर ये मसाइल देखने से बेहतर है कि तुम घर पे बैठ जाओ। तालीम हासिल करना ना, ये सबका एक बुनियादी हक है। उस तालीम को हासिल करने के लिए फैसिलिटेशन की ज़रूरत है। अगर वो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो सकती तो वो फिर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को उसके लिए आगे आना चाहिए। दैट्स द रीज़न हमने ये सोचा कि हम इन बच्चियों को, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी की बच्चियां हैं, कॉलेज की बच्चियां हैं, इनको इनकी सवारी, और वो सवारी के जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, जो अगर आप यूज़ करते हैं तो वो बसेस और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन से कई गुना कम में आप अफोर्ड कर सकते हैं, उनको उसको सिखाया जाए और साथ में माशरती मसाइल को भी एड्रेस किया जाए। अच्छा, लोग यूजुअली समझते हैं कि ये सिखाने का मकसद कोई बाइक रैलीज निकलवाना है, कोई ख़वातीन को रोडों के ऊपर लाना है, मकासद ये नहीं है। हमने ये सर्विस अपनी 80% बच्चियों के लिए लॉन्च की है, जो कि रोज़मर्रा
के जिनके इस्तेमाल के अंदर ये चीज़ें हों कि वो अपने घर से अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ऑफिस जा रही हों वापस आ रही हों। हमारा मकसद कोई रैलीज़ करवाना नहीं है, हमारा मकसद कोई ले जाकर जो है वो इस तरह के फंक्शंस करवाना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम इन बच्चियों को फैसिलिटेट करें कि वो अपने रोज़मर्रा के कामों को आसानी से कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हैरान होंगे सुन के कि सिर्फ 2 महीने के कलील अरसे के अंदर हम अब तक 1400 से ज़ायद बच्चियों को ट्रेन कर चुके हैं, जिसके अंदर कराची के लीडिंग कॉलेजेस शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने हमें इसके अंदर सपोर्ट किया है यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक एक्सेस देने के लिए, और बच्चियां जो हैं वो इस वक्त कसीर तादाद के अंदर इसको सीख रही हैं, जिससे पता चलता है कि इसका माशरे में किस कदर फुकदान था। आज की जो यूथ है हमारी, उनके लिए आपकी क्या क्या खिदमात हैं? ऐसे हालात में कि जब इस वक्त पूरी कौम ज़हनी और जिस्मानी इंतशार का शिकार हो, जिस वक्त ड्रग्स जो हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आम किए जा रहे हों, जिस वक्त बेरा रवि जो है वो हर जगह पर हर कोई उसको फैलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुहाफ़िज़ ने ये बेड़ा उठाया है कि हम अपने सोशल नॉर्म्स के अंदर रहते हुए, अपने कल्चरल नॉर्म्स के अंदर रहते हुए अपनी यूथ को, अपने बच्चों को, अपनी ख़वातीन को सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ लेकर आ रहे हैं, और उन सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ लेकर आ रहे हैं जिसका माशरे के अंदर कसीर फुकदान पाया जाता है। हम इस वक्त अच्छे स्पोर्ट्समैन डेवलप कर रहे हैं, हम ऐसी माओ की तरबियत कर रहे हैं कि वो आगे जाकर अपनी औलाद को किस तरह से बेहतर तर्ज के ऊपर आगे तरबियत दे सकें। इसके अंदर हमारे डॉक्टर्स का बड़ा एक मैं कहता हूँ कलीदी किरदार है कि वो जाकर मेंटल वेलनेस के हवाले से लोगों को इस वक्त आगाही फराहम कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ों को हमने किस तरह देखना चाहिए। देखें जी, बात यह है कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं या डॉलर की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं या बेरोज़गारी है, तो शायद खुद मुहाफ़िज़ उसको तो कवर नहीं कर सकता, हाँ लेकिन उससे होने वाले जो एक नुकसानात हैं कि एक शख्स उस पर कितना असर लेता है, हम उस असर को कुछ कम कर सकते हैं। हम लोगों को इस तौर पर ज़हनी तौर पर तैयार कर सकते हैं इस तर्ज के ऊपर कि किन किन सरगर्मियों की वजह से वो उनका डिप्रेशन, उनकी एंजाइटी जो है वो कुछ कम हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुहाफ़िज़ जो है वो इस वक्त यूथ को काफ़ी फोकस कर रहा है। एक अच्छे माशरे के लिए आप किन किन बातों की हमारे नौजवान को तरगीब देंगे? देखें, जो अच्छा माशरा होता है ना, वो तो वही फलाही रियासतें होती हैं जो कि एक अच्छा माशरा जिसके अंदर परवान चढ़ता है। अच्छे माशरे के लिए मेरा ख़्याल है कि अगर हम अपने दीन की तरफ़ देखते हैं तो तमाम तर चीज़ें वहाँ से हमें मिल जाती हैं। वहाँ से हमें वालदैन के हुकूक मिल जाते हैं, वालदैन के ज़िम्मे जो औलाद के हुकूक हैं वो मिल जाते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि हमने किन खेलों की तरफ जाना है, हमें ये पता चल जाता है कि हमने माशरत कैसी करनी है, हमें ये पता चल जाता है कि हमने मईशत कैसी करनी है। आज वतन अज़ीज़ का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे बच्चे और वालदैन दोनों के दरमियान जो है ना वो गैप पैदा हो गया। एक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वालदैन बच्चों से और बच्चे वालदैन से जो हैं वो दूर होते चले जा रहे हैं, जिसका मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा रीज़न जो है वो मोबाइल डिवाइसेस हैं। ये टेक्नोलॉजी का बेदरीग इस्तेमाल है, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल है, जिसकी वजह से ये फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। खुद मुहाफ़िज़ क्या कर रहा है कि खुद मुहाफ़िज़ स्पोर्ट्स के थ्रू फैमिलीज़ को करीब लेकर आ रहा है। हम वालदैन को बच्चों को तरबियत तरगीब देते हैं कि देखें, इंस्टेड ऑफ़ के आप जाएं और एक वक्त में जाके अपने बच्चों को 10,000 रुपये का खाना खिला दें, आप वही 10,000 अपने बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के ऊपर ख़र्च करें और उसके साथ अपना वक्त बिताएँ। वो वक्त कैसे, आप साथ में शायद उसके फ़ुटबॉल खेल सकते हो, आप शायद उस साथ में क्रिकेट खेल सकते हो, आप कोई और गेम खेल सकते हो। हम सेल्फ डिफेंस करवाते हैं, किक बॉक्सिंग करवाते हैं, फिटनेस करवा रहे होते हैं। जो फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ ही इन सेहतमंदाना सरगर्मियों के अंदर इन्वॉल्व होंगी, आप हैरान रह जाएंगे उनका
उनकी मेंटल और उनकी फिजिकल कोऑर्डिनेशन देखते हुए कि बच्चे फिर इन्हीं वो एक घंटा जो वालदैन अपने बच्चों के साथ इन सरगर्मियों में गुजारते हैं उसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग होता है। वो बड़े होते तक जो है वो एक उनको याद होता है कि हमारे वालिद ने हमारी वालदा ने किस तरह से हमारी तरबियत की। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इन हालात में एक सेहतमंद माशरे के लिए जो है वो स्पोर्ट्स का किरदार एक कलीदी किरदार है। जो हमारे चाइल्ड हैं उनके लिए आपने क्या इकदाम उठाए? बहुत सारे लोग आते हैं, दावे करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हमने जो बेड़ा अल्हम्दुलिल्लाह उठाया था, हमने इस साल के शुरुआत में कहा था कि इस साल हम 25,000 बच्चे ट्रेन करेंगे और लोग हमें कह रहे थे कि यार दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो बिल्कुल ही एक अनहोनी बात है, तुम अकेले कैसे करोगे। मैं ये समझता हूँ कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जब आप नेक नियति के साथ अपने रब से मांगते हैं और कोशिश करते हैं तो अल्लाह आपके रास्तों को आसान कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद महाफिज़ इस वक्त 5,000 से ज़ायद बच्चों को इन 3-4 महीनों के अंदर ट्रेन कर चुका है। ना सिर्फ ट्रेन कर चुका है फिज़िकली, बल्कि ये पाकिस्तान का पहला कैंप जो हमने मेंटल और फिज़िकल वेलनेस के हवाले से लॉन्च किया था। इसके अंदर हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं जो जाकर मेंटल वेलनेस के तौर पे तर्ज पे बात करते हैं। हमारे बच्चों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे बच्चे एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट फ्रीज़ हो जाते हैं। बच्चे क्या बड़े भी फ्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि बड़ों की भी तरबियत फ्रॉम द चाइल्डहुड वैसे हम कर ही नहीं सके हैं। तो हम उनको जाके मेंटली एक्टिव कर रहे हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम स्कूल्स के बच्चों को इस वक्त जाके करवा रहे हैं, बच्चों और बच्चियों को करवा रहे हैं, कि उसमें हमने सेल्फ डिफेंस ऐड किया हुआ है, उसके अंदर हमने आर्चरी तीरंदाजी को ऐड किया हुआ है और एक बहुत ही यूनिक सर्विस एनिमल डिफेंस को ऐड किया हुआ है। देखें हमारा ये मकसद सिर्फ करवाने का कोई एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी को जनरेट करना या सिर्फ तफरी नहीं है। हम चाइल्ड अब्यूज़ एलिमिनेशन के ऊपर जो है वो गामजन हैं। हम समझते हैं कि ये माशरे में फैलता हुआ तेज़ी से कैंसर ये जो फैल रहा है इसको कहीं पर कोई कट डाउन करना चाहिए। हमारे यहाँ जो भी काम हो रहा है वो आफ्टर जब इंसिडेंट हो जाता है उसके ऊपर काम हो रहा है, पोस्ट काम हो रहा है। हमारे बच्चों को जो है मतलब आपके पास रिहैब सेंटर्स बने हुए हैं लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर कोई काम करने को तैयार नहीं है कि उस हादसे को होने से रोका कैसे जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तरबियत हम जिस तर्ज का कैंप लेकर आए हैं उसके अंदर हम बच्चों को मेंटली और फिज़िकली एक्टिव कर रहे हैं। जो एनिमल डिफेंस की मैं आपको बात बता रहा था उसके अंदर ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा है कि हम बच्चों को रेप्टाइल्स से जो है वो आशनाई उनकी करवा रहे हैं, सांप से, चूहों से, छुपकलियों से और मुख्तलिफ़ रेप्टाइल्स से उनकी दोस्ती करवा रहे हैं। क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है फियर, डर। एक बच्चा डर की वजह से ही नहीं बोल पाता और वो डर बहुत दफ़ा वालदैन का भी होता है कि मैं अपने वालदैन से जाकर ये बात कैसे करूं, और बहुत दफ़ा सोसाइटी का भी होता है। तो हमें अपने उन बच्चों को उस डर से निकालना होगा कि वो उस डर से निकलें, क्योंकि जब इस छोटी सी उम्र में उनके साथ ये वाले हादसात होते हैं वो पूरी लाइफ लॉन्ग वो कैरी करते हैं, वो बड़ा होकर भी एक सेहतमंद इंसान नहीं होता। आपको बज़ाहिर देखने में वो बिल्कुल ठीक लग रहा होगा लेकिन ज़हनी तौर पे बेइंतहा डिस्टर्ब्ड होते हैं, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट्स जो उनके जहन के अंदर उस वक्त उन हादसात के छप चुके होते हैं वो फिर आखिर तक नहीं निकलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम गामजन हैं, 5,000 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त तक इस साल में हम ट्रेन कर चुके हैं। 25,000 बच्चों का हमारा हदफ है जो इंशाल्लाह हम ज़रूर फुलफ़िल करेंगे। पाकिस्तान की जो मौजूदा पोजीशन है उस हवाले से आप नौजवानों के लिए क्या डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं? देखें जी, एक इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। हमारे इस वक्त बेइंतहा मायूसी है, अगर आप देखेंगे तो यूथ के अंदर बेइंतहा मायूसी है और उस मायूसी की वजह से जो है वो गलत रास्तों पे जा रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ वैसे क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। तो मेरी तो अरबाब इख्तियार से भी यही दरख्वास्त है कि इंस्टेड ऑफ़ कि हम लंगर खाने चलाएं, उनको जो है वो बिठाकर रोडों के ऊपर खाना खिलाएं, हम यही पैसे
उनकी डेवलपमेंट के ऊपर क्यों नहीं खर्च करते कि एक दफ़ा हम उनको कोई ऐसा हुनर दे दें जिससे वो आगे जाकर 10 लोगों की रोज़गार का बाइस बन सके। आज भी हम यतीम खानों के अंदर जा रहे हैं, हम स्ट्रीट चिल्ड्रन के पास जा रहे हैं, और आप यकीन कीजिए कि इंशाल्लाह आप थोड़े ही अरसे के अंदर हम उन बच्चों को जब हम मंजर-ए-आम के ऊपर लाएंगे, आप देखेंगे कि एक यतीम खाने का बच्चा किस कदर बेहतरीन खेल पेश कर रहा है, और वो आगे जाकर उसके अंदर पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि वो पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी कर सके। इसके लिए कोई करोड़ों अरबों की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक विजन की ज़रूरत है, इसके लिए जो है वो एक आगाही की ज़रूरत है, और सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम थोड़ी सी कोशिश इस तर्ज के ऊपर करना शुरू कर दें कि हम लोगों को बजाय इसके कि खानों पे और चीज़ों पे फीड करें, हम उनको स्किल सेट से फीड करें, और उस स्किल सेट से वो आगे आकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अब तक कितने स्टूडेंट हैं जो जिन्हें आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खुद महाफिज इस वक्त जो है वो 40 से ज़्यादा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके कोचेस को ट्रेन कर रहे हैं। हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम ट्रेनर्स को इस वक्त ट्रेन कर रहे हैं कि वो जाकर आगे अपने इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को आगे जाकर ट्रेन कर सकें, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है कि इसके लिए अकेला खुद महाफिज कभी भी उस वक्त तक काम नहीं कर पाएगा जब तक इसमें मज़ीद लोग नहीं जुड़ेंगे। हम अकेले, हमारी कैपेसिटी भी इतनी नहीं है कि हम पूरे पाकिस्तान में जाके अकेले ट्रेनिंग करें। तो हाँ, हमने उसके लिए जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम डेवलप कर लिया है कि अब हम अपने कोचेस को लोग हमारे पास भेज सकते हैं, और वो कोचेस आकर हमसे तरबियत लें और जाके अपने इंस्टीट्यूशंस में सिखाएं। हुकूमत सिंध की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिली है जो आपके साथ वो वर्क करें, आपके साथ ज्वाइन होके कुछ काम करना चाहें? हमारे पास बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आइडियाज़ हैं, ऐसे आइडियाज़ हैं जो पाकिस्तान में अब तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। खुद महाफिज़ का अपना वजूद इसकी दलील है। खुद महाफिज़ का अल्हम्दुलिल्लाह जो काम आप देखेंगे वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आपको ऐसा काम नहीं मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं तहदीस बिन नेमत के तौर के ऊपर कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने ये काम हमसे लिया है। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से, अरबाब इख्तियार से खुसूसी दरख्वास्त है कि अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अगर वो हमारे साथ कोलैबोरेट करे तो हमारे प्रोग्राम्स से जो है वो ना सिर्फ सिंध बल्कि हम पूरे पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल इंस्टीट्यूशंस देने की कैपेसिटी कैपेबिलिटी रखते हैं कि जहां पर आके हमारे सिंध का बच्चा जो है वो उस तर्ज पे डेवलप हो सकता है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी हर जगह कर रहा होगा। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में ड्रग्स और मंशियात का बहुत इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है कॉलेजों में और स्कूलों में, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? हनीफ भाई, इंतहाई दुखी दिल के साथ मैं आपको ये बात बताऊं कि आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, मैंने स्कूल के बच्चों को जो है वो ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व देखा है। खुद महाफिज जैसा कि आप जानते हैं कि हर तबके के अंदर जाके काम करता है, यतीम खानों से लेकर जो है वो हम एलीट क्लास के अंदर जाके काम करते हैं, बड़े महंगे स्कूलों से लेकर छोटे स्कूलों तक हर जगह हम जहां पर बच्चा मौजूद है, जहां पर ख्वातीन मौजूद है, हम काम कर रहे हैं। इतनी ऐसा दिल दुखता है, ऐसे दिल खराश वाकयात हैं जब हम अब मेंटली उन बच्चों को रिकवर कर रहे होते हैं, जब हम उनके साथ काउंसलिंग सेशंस कर रहे होते हैं, और उसकी जो बुनियादी वजह निकलती है वो दीन और वालदैन से दूरी है। हम दीन से भी दूर हैं, हम वालदैन से भी दूर हैं, वालदैन को बच्चों के लिए वक्त नहीं है, बच्चों ने फिर डेवलप कर लिया है कि उन्होंने अपना साथी अपने मोबाइल को बना लिया है, इंस्टेड अब वो वहाँ से गाइडेंस ले रहे हैं। अगर ये इस चीज़ की रोकथाम के लिए प्रॉपर मेजर्स नहीं उठाए गए तो आप यकीन करें कि आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं ये कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बात कर रहा, इतनी ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर मैंने अपनी आंखों से इतने बच्चों को, हमारे पास ऑलरेडी क्योंकि हम मेंटल वेलनेस सेशंस कर रहे होते हैं, हमारे पास हमारे पास बाद में वालदैन रोते हुए आ रहे होते हैं कि अब जो है वो ये इस आदत के अंदर शुमार मतलब इस आदत की इसको लत पड़ गई है। तो मैं बार बार अपने वालदैन से दरख्वास्त करता हूँ, अपने लोगों से, पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों पर तवज्जो दीजिए,
आप अगर अपने बच्चों को खानसामों पर, अगर मालियों पर, ड्राइवरों के हाथों पे छोड़ देंगे, तो फिर ये यही सब कुछ होगा जो हो रहा है। चाइल्ड अब्यूज़ से लेकर ड्रग अब्यूज़ तक, सब्सटेंस अब्यूज़ तक के वाकयात जो हैं वो हमारी अपनी गफलत का नतीजा है, और इसका यही मुतबादल है कि हम उनको ख़राब की जगह बेहतर कंटेंट पे लगाएं, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करें, उनको वक्त दें। इस वक्त का कोई और नेमुल बदल नहीं हो सकता, पैसे वक्त का नेमुल बदल नहीं है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आपको देख रहे हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे उमर साहब? मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से यही दरख्वास्त करूँगा कि मुल्क कौम की तरक्की के लिए सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ लंगर खानों और दूसरी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करें। यहाँ पर बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि उनके लिए प्रॉपर स्पॉन्सरशिप्स उन खिलाड़ियों के लिए अगर मुहैया की जाए, तो पाकिस्तान के ये अमन के सफ़ीर पूरी दुनिया के अंदर आपको नज़र आ सकते हैं। और आपका ये जो थोड़ा सा तावन इन बच्चों के लिए होगा, इन स्पोर्ट्समैन के लिए होगा, ये पाकिस्तान को आगे ले जाने के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करेंगे कि हम भी मांगने वालों से निकलकर जो है वो देने वालों की सफ़ के अंदर शामिल हो जाएं, और जिसके लिए जो है वो आपकी तरफ, मेरा ख़्याल है कि आपकी एक, आपका ये कौमी फरीज़ा भी है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया उमर, आप हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में एक बार और तशरीफ़ लाए, और आपकी खिदमात को हमारा ओपी टीवी और हम सराहते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरीके से, इसी लगन के साथ, इसी जोश और वलवले के साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान के आवाम की खिदमत करते रहेंगे। तो नाज़रीन, देखा आपने कि मोहम्मद उमर हुसैन साहब ने ये बताया कि वो अपने खुद मुहाफिज के ज़रिए वो किस तरह की पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इनके जज्बे को बहुत सराहेंगे, और हमारा ओपी टीवी भी इनके जज्बे को बहुत सराहता है। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ खान को प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकालिल खान, आई एम द सीईओ एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ ओपीटीवी ग्लोबल। आप देख रहे हैं ओपीटीवी ग्लोबल। नाज़रीन, याद रखिए, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्याल आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए ओपीटीवी ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब ओपीटीवी ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं ओपीटीवी ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide.
There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. TV is now available on Roku. Please tune in to Roku.